तुरंत शायद कर दे। कितना सा बना रहा है? कितना देर में हट जाएगा? 10 मिनट में हट जाएगा सब। तुरंत हट जाएगा, ये खाली 6 बड़ा का बस। ये गलत है, आप किसी भी स्पीड। क्या नाम है भाई आपका? नाम क्या है? नाम संजूर। संजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये रोड पर छेव काट रहे हैं। रोड पर छेव काटा जाता है? साइड करने का क्या मतलब? रोड पर कोई भी जाएगा, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। साइड कर देंगे, तुरंत साइड कर देंगे। कितना सा बना रहा है? कितना देर में हट जाएगा? 10 मिनट में हट जाएगा सब। तुरंत हट जाएगा, ये खाली 6 बड़ा का बस। ये गलत है, आप किसी भी स्पीड से गाड़ी आएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है सर, यहाँ पर एक्सीडेंट होगा, कोई गाड़ी टकरा जाएगा तो आप लोग तो गाड़ी वाला को पकड़ के रेल दीजिएगा तुरंत। नहीं तो जो गिराया था किस मकसद से गिराया? कोई डायरेक्शन दिया होगा कि रोड पे गिरा दो? जी ना, वो बात नहीं, गिरा हुआ था ना, तो वो सरिया के रखे हुए हैं, समझे कि नहीं? पूरा तभी देखिए गाड़ी सबको, देखिए कैसे मुड़ के जाना पड़ रहा है। आप देखिए, दिक्कत हो रहा था। दिक्कत होगा? नहीं, बिल्कुल दिक्कत होगा। ठीक है, इसको तो जल्दी हटवा दीजिए। ठीक है, इस तरह से देखिए रोड पर कैसे अतिक्रमण किया जाता है। यहाँ से आने वाले लोगों को आप काफी परेशानी होती है आने जाने में, जबकि ये NH 77 है। 10 मिनट में आप बिल्कुल हटवाइए दीजिए। ठीक है, कुछ करती नहीं है और पब्लिक क्या करती है आप देख सकते हैं। आप देखिए, जी काम करती है, एक्सीडेंट होता है तो फिर गाड़ी वाला का पर रखा और जाता है तुरंत उसको कोनो क्यों। यहाँ पर जो एक्सीडेंट होगा तो मोटरसाइकिल वाला का गलती रहेगा कि पब्लिक का? भाई पब्लिक का गलती रहेगा ना, रास्ता पे है ना, रास्ता पे ही काम हो रहा है। यहाँ कोनो गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोनो बच्चा कोनो बकरी ठोका जाए तो कौन पिटाएगा? गाड़ी वाला पिटाएगा, बिल्कुल पिटाएगा ना। कारण कौन रहे? सही हो रहा है भाई। ठीक है जी, दिखाएंगे उसको भी, दिखाएंगे जो अगर रोड पर अतिक्रमण करेगा उसको भी दिखाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल था, समझे ना, सब हम छरिया रहे रोड पर, छरिया रहे। ठीक है, तो आप लोग रोड पर इस तरह से आप लोग रोड पर ऐसे नहीं कीजिए, रोड को खाली रखिए। जाम खाली है ये। ठीक, चलिए ठीक है। फिर इस तरह से लोग अतिक्रमण करते हैं, जिससे वजह से रोड पर दुर्घटना हो का संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। साथ में यही बताना चाहता है, यही एक्सीडेंट होता है, चाहे वो गली में क्यों ना हो, हाईवे को जाम कर दिया जाता है, एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है और प्रशासन को घंटों बुलाया जाता है, वो प्रशासन पहुंचते भी नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को आने जाने में परेशानी होता है, NH 77 जाम होता है। लोग 4 लाख रुपया उसी समय डिमांड कर देते हैं जो CO दे नहीं पाता है, जिससे घंटों वहाँ पर जाम लगा रहता है। यही अतिक्रमण का कारण है मेन। ठीक है, देखिए गाड़ी को कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे जाने में दिक्कत होती है। कितनी तकलीफ के बाद ये गाड़ियाँ यहाँ पर घूमेगी और फिर पास करेगी। तो इस तरह की समस्याएं बिहार में बड़ी आम बात है और बिहार में बहुत बड़े पैमाना पर रोड को निजी संपत्ति समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है बरसों से, और ज़रूरत अब इस बात की है कि इस जो अतिक्रमणकारी नीति है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। आप तमाम लोग चाहते हैं कि नहीं खाली रहे? आप लोग चाहते हैं रोड खाली रहे कि जाम रहे? मान लीजिए यहाँ पर कोई लफड़ा हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई गाड़ी घुमा रहा है, कोनो बकरी का बच्चा पिसा जाए, तो आप लोग तो तुरंत गाड़ी के ड्राइवर को धर लीजिएगा, कहिएगा ये बकरी 7 साल तक ले भी आता, ओकर बच्चा के पैसा दो। लेकिन वो गलती कहीं ना कहीं आदमियों का रहता है। तो हो जाए अच्छी बात है, खाली रहेगा अच्छी बात है। आप लोग जो यहाँ पर एक न्यूज दिखाने का मकसद कुछ खास नहीं था, मकसद ये था कि रोड पर जिस तरह से अतिक्रमण करके और एक्सीडेंट को न्योता दिया जाता है उसको हटाने की एक मुहिम थी, और अभी अभी कहा गया हम लोग को कि हम 10 मिनट में खाली कर देंगे। बने रहिएगा हम लोग के साथ, और भी ऐसी खबरों से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।